जिस देश में औरतों को जननी मानकर उनकी पूजा की जाती है, उस देश को ना जाने आजकल क्या हो गया है। जहां देखो वहां एक के बाद एक लड़कियों पर हुई हिंसा की खबरें सुनने को मिल रही है। जहां पहले तो झारखंड में हुआ दुमका कांड और मध्य प्रदेश का खांडवा कांड अभी चर्चों में ही था, कि वहीं अब एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली लड़कियों के साथ हुई हिंसा की घटना की खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल जरूर खौफ से कांप उठा होगा। तो जरा सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके सामने से ही उसकी बेटियों को अगवा करने के बाद मार कर पेड़ों से टांग दिया गया। दरअसल ये मामला लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली का है, जिसमें दो नाबालिग सगी बहनों की लाश गाँव के बाहर खेतों में एक पेड़ से लटकी हुई मिली है। वहीं इस मामले में उन लड़कियों की मां और उसके परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तीन युवक बाइक से आए और उनकी बेटियों को अगवा कर लिया और फिर दोनों की हत्या कर लाश को पेड़ से लटका दिया गया। इसके साथ ही परिवार ने इस गांव के एक शख्स पर उंगली भी उठाया था, जिसका नाम छोटू बताया गया। उसका घर चंद सौ मीटर की दूरी पर ही था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम जुनेद, सोहेल, आरिफ, हरीफ, करीमुद्दीन और छोटू बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों लड़कियों की रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई है। यकीनन ही खीरी की यह घटना हमारे समाज के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।